हनुमान क्यों लगाना चाहिए? ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, ऐसा होता पूछ लो। वो कहाँ से पैदा हो जाए? जब भी उसके संपर्क में हमेशा रहती है क्या? के बाहर भी आती है? जब बन जाती है बीज रूप, जिस समय संपर्क में आई तो बीज रूप बन गई। जब संबंध में नहीं है और वहाँ जाएगी तो फिर सुगम से ही धारण करती, एकदम नहीं बन जाती हमेशा के लिए। जब तक संग है तब तक रंग है, संग नहीं तो रंग दूसरे का लग जाता है। पूरी स्टेज नहीं बनती एकदम, राम की भी पूरी स्टेज नहीं बनती, उसको भी बच्चों के संपर्क में आना पड़ता है। राम और कृष्ण दोनों ही आत्माओं को बच्चों के संबंध संपर्क में आना पड़ रहा है, इसलिए उनकी व्यवस्था नीचे ऊपर होती है। नहीं तो बोला है बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं, बच्चों को साथ लिए बगैर नहीं जा सकते, तो बच्चों का संग रंग लेना पड़े। माँ बाप बच्चों के लिए भरी ढोते हैं। हाँ तो नेपाल में सेवा हो रही है, चिंता क्यों कर रहे हैं? हर धर्म की सिकल अलग अलग सो नहीं मालूम है? हर धर्म की सिकल अलग अलग होती है ये नहीं मालूम? अरे भाई सिख धर्म जब जो आएगा तो उसका टाइम नहीं मालूम है? अभी 12 नहीं बजे है, 12 बजते हैं तो सूरज एकदम ऊपर आकर के चमकता है तेजी से, तब उनकी बुद्धि में बैठता है। हैं? कौन मम्मी? बढ़िया सुनती होगी? अनुमान क्यों लगाना चाहिए? सुनती है कि नहीं सुनती है? पता लगाओ, पता लगाओ ना, जितना तुम जानते हो उतना हम जानते हैं। बल्कि माँ का लगाव बच्चों से ज्यादा होता है। तो जहाँ मंदिर में वहाँ मूर्ति रखी हुई है, वहाँ उनकी पीठ बनी हुई है या चैतन्य में जगदम्बा बैठी हुई है? जगदम्बा नहीं होगी, उनके भगत होंगे और उनकी पीठ बनी बना दी, ले ले आओ दत्तर जाओ पैसा रख जाओ। भगत पुजारी होंगे वो मंदिर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे पुजारी? कहाँ रहेंगे? हैं? वो नहीं मानेंगे, जो जिस धर्म का होगा उसी की बात मानेगा। चंद्रवंशी का होगा तो चंद्रवंशी की हेड की मानेगा, इस्लाम वंशियों का होगा तो इस्लाम वंश की हेड का मानेगा, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। हाँ बाबा मम्मा हाँ क्या लिखना पड़ेगा? वो दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, बड़ी न बड़ी न छोटी। रजिस्टर रखने की दरकार ही नहीं, रजिस्टर इसलिए रखा जाता है। हाँ?
हाँ तो ये शरीर से क्या नापा जाता है ज्ञान में? ज्ञान में छोटा बड़ा शरीर से होता है या ज्ञान के आधार पर होता है? तो ज्ञान किसमें ज्यादा होगा फिर? और राइट हैंड में जगह किसके लिए छोड़ी जाती है और लेफ्ट हैंड में जगह किसके लिए छोड़ी जाती है? हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी? है? अरे बताओ तो। हिंदुस्तानी है ना? हाँ हिंदुस्तानी है। तो राइट हैंड में किसको जगह छोड़ी जाती है और लेफ्ट हैंड में किसको बैठाया जाता है? हैं? अरे है? हाँ जी हाँ जी हाँ ये वो लड़की है संपन्न बन गए वो है लेकिन अभी पुरुषार्थी है इसलिए कमल फूल नीचे है। जब संपन्न हो जाएगा तो कमल फूल ऊपर चला जाएगा। और हैं? हाँ? वो मूछ को उनको कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। उन्होंने सोचा कि हमारे ब्रह्मा की मूछ की हमने लाज नहीं रखी तो हम क्यों रखें? हैं? ये भी हिंदुस्तानी नहीं है लगता है। अरे माता को बैठाया जाता है दाईं ओर और पत्नी को बैठाया जाता है बाईं ओर बाम अंग में। पूछने की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ बिल्कुल जो हिस्ट्री बनाई है वो तो मनुष्यों की बनाई हुई है ना, तो गलती हो सकती है ना, भूल हो सकती है। अब भगवान के अनुसार पढ़ाई संसार में पढ़ाई जाएगी तो सच्ची रिसर्च होगी तो सच्ची हिस्ट्री भी सामने आएगी। हैं? और कंप्यूटर के लिए टाइम चाहिए। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, ब्राह्मणों की दुनिया की हिस्ट्री, वो स्वार्थियों ने लिखी है या परमार्थियों ने लिखी है, आत्माभिमानियों ने लिखी है? स्वार्थियों ने लिखी तो हिस्ट्री झूठी कर देंगे। लेकिन तीव्रता बढ़ जाएगी, शूटिंग की तीव्रता आखिर में बढ़ जाती है क्योंकि फाइनल होने वाला है, इसलिए वो 10 साल जो है वो 90 साल के बराबर हो जाएंगे। हाँ जी है, तो अभी फायदे में नहीं है जी, एडवांस पार्टी जो आ रहे हैं इतने दिनों के बाद, अब वो घाटे में है ना जो संक्षति से नाक रगड़ रहे हैं। है? हाँ भगत लोग कैसे गाते हैं? हाँ उन्होंने देर की होगी ज्ञान लेने में, ज्ञान लेने में देर की तो
हाँ तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा ना। हाँ तो उन्होंने ज्ञान लेने में देर कर दी, इसलिए वो यही गीत गाते हैं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, माने लास्ट में वारा न्यारा होगा। हाँ सीढ़ी के चित्र में दाई तरफ नीचे ब्रह्मा बाबा मम्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियों को बताते हैं लिखा है, वो लिखा और उधर लिखा गया कि विपरीत बुद्धि भी नहीं चलती। लिखा गया नहीं है, उस समय उन्होंने लिखा था तीत बुद्धि विजय थे, और मुरली में बाबा ने बाद में करेक्शन किया कि सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखो विपरीत बुद्धि विनश्य थे, जहाँ 40 वर्ष लिखा हुआ है, और ऊपर लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजय थे। तो वो बाद में एडवांस पार्टी वालों ने नीचे लिखवाया है। बाबा ये जो विपरीत बुद्धि विनय शक्ति है ना, तो वो सब विनय शक्ति के दृष्टि चले गए है, विपरीत बुद्धि हो। हाँ किसके किसके? सुप्रीम सोल जो यज्ञ के आदमी था और किसके विपरीत? हाँ होम राधे, उन्होंने तो देखा ही नहीं ना। क्या क्या नहीं देखा? फिर भी ओम राधे मम्मा को जब पता ही नहीं था तो उन्होंने फॉलो किसको किया? तो वैसा ही प्राप्ति होगी, उन्होंने जिसको फॉलो किया उसी की प्राप्ति होगी। जिनको फॉलो किया उससे पहले उनकी दुर्गति हुई ना। किनकी? ओम राधे मम्मा, उन्होंने पहले शरीर छोड़ दिया। हाँ तो क्या हुआ? विपरीत बुद्धि की गति जो ब्रह्मा बाबा से तेज होगी ना। हाँ तो माने शरीर छोड़ने से विपरीत बुद्धि हो जाती है ना बाबा? नहीं ये कोई बात नहीं होती है, उन्होंने तो सच्चाई से अंत तक जीवन जिया था। वो विपरीत बुद्धि इसलिए हुई कि उन्होंने फॉलो किया ब्रह्मा को, जिसको फॉलो किया है उसकी ही विपरीत बुद्धि हो गई, वो ही नीचे गिर गया, तो जो फॉलो करने वाला वो नीचे नहीं गिरेगा? भेड़ बकरियों की लिस्ट में आ गए कि नहीं? बाबा हाँ तो क्या हुआ? तो ब्रह्मा संपन्न हो गया, ब्रह्मा के प्रति तो विपरीत बुद्धि थी ना। हाँ और ब्रह्मा की प्रजापिता के प्रति विपरीत बुद्धि थी, तो मम्मा की भी विपरीत बुद्धि हुई या नहीं हुई? इनडायरेक्ट हो गई ना, तो वैसी प्राप्ति होगी। हाँ तो क्या हुआ, उससे अंतर क्या पड़ता है? शरीर छोड़ना न छोड़ना कोई अंतर नहीं पड़ता, चलन से अंतर पड़ता है। अरे फॉलो करने के आधार पे होती है, जिनको फॉलो किया उसकी बुद्धि विपरीत है, उनकी ऑटोमेटिक हो गई, लेकिन गति तेज हो गई थी इसकी। राधे मम्मा की उम्र उनकी बुद्धि तीखी नहीं थी, आओ क्या हैं? हाँ हाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है? वो भी तो प्रजापिता ब्रह्मा है। दो करोड़ हाँ जी के हाँ में 2 करोड़ से 10 करोड़ की होती है। हाँ जी बरबर है, तो यहाँ जो 9 लाख से 2 करोड़ होती है तो 20 गुना बस्ती बढ़ती है। हाँ जी तो वहाँ जो है त्रेता में 5 गुना बस्ती बढ़ती है। हाँ जी इसका क्या कारण? इसका कारण ये है, जो उनके घराने के होते हैं वो एंटरटेनमेंट के साधन उनके ज्यादा होते हैं, और जो नीच घराने के होते हैं उनके एंटरटेनमेंट के साधन कम होते हैं। आज की दुनिया में भी ऐसे ही है, सतयुग में राजा सिर्फ एक ही होगा, एक घराना, क्या एक ही घराना होगा जो राजा होगा, और त्रेता में राजाएं बहुत होते हैं, इसलिए राजघराने 16,108 की संख्या में पहुंच जाते हैं, इसलिए उनके एंटरटेनमेंट के साधन बढ़ जाते हैं।
हाँ जी है वर्षी कम होती है कहाँ परसेंटेज जो होता है उसका जो भाग होता है वो कम हो जाते हैं ना, 5% से होती है कम, हाँ जो होते हैं 20% कम सचिव में, वो तो 9 लाख है ना, 9 लाख प्रजा है भले, लेकिन राजा के मुकाबले प्रजा ज्यादा है या कम है? एक राजा है और सारी प्रजा है, नहीं समझ में आया? त्रेता में दो ही के 12 राजा हो गए हैं, 12 गति के 12 राजा हो गए, 12 राजा नहीं, एक गद्दी में एक ही राजा वहाँ होता है, लेकिन राजा अनेक हो जाते हैं, सचिव में एक ही राजा चलता है हर जन्म जन्मांतर, और त्रेता में राजा अनेक हो जाते हैं, महाराजा नहीं होते, हाँ इसलिए जब प्रजा वर्ग ज्यादा होगा तो एंटरटेनमेंट के साधन जो है वो बढ़ जाते हैं, सत्युग में वो कम हो जाते हैं, जैसे आज की दुनिया में जो बड़े घराने के लोग हैं उनके बच्चे कम पैदा होते हैं, क्योंकि उनके एंटरटेनमेंट के साधन ज्यादा हैं, और जो नीचे घराने के लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, एंटरटेनमेंट के साधन है नहीं उनके घर में, बस वही एक पकड़ लिया, हाँ अरे वो पवित्रता का भाव होता है लेकिन नीचे गिरते हैं कि नहीं, ओहो वो सब ठीक लेकिन नीचे गिरते हैं कि नहीं, अच्छा कुछ तो सुख भोगते हैं, चलो श्रेष्ठ इंद्रियों का ही सुख भोगते भोगते तो हैं, भोगते कि नहीं, हाँ तो वो राजघराना एक होता है वहाँ और बाकी सब प्रजा होती है, ज्यादा हाँ ज्यादा हो तो ज्यादा है ना, है 5 गुना, अरे 9 लाख से बढ़ करके 2 करोड़ हो जाते तो 5 गुना हुआ है, हाँ 20 गुना हुआ, हाँ तो इसलिए क्योंकि वहाँ प्रजा ज्यादा होती है, नहीं आया समझ में अभी तक, वहाँ प्रजा का रेशो ज्यादा है और जो राजा बन के हैं वो सिर्फ एक ही है, हाँ और त्रेता में राजा ज्यादा होते हैं, राजघराने ज्यादा होते हैं और प्रजा उस हिसाब से कम रह जाती है, हाँ 12 गतियाँ 9 गतियाँ साकार में हो या न हो, क्या सूरदास को तुलसीदास को और मीरा को क्या साक्षात्कार नहीं होते थे? गुंजा दादी कहती थी नहीं दिखते, उस समय उनका पाठ नहीं खुला होगा संदेश जी का, देव देव महादेव क्यों कहा जाता है? ऊंच से ऊंच भगवान एक होगा या 2-4 होंगे? जो एक होगा तो मूर्ति एक ऊंची होगी या सारी मूर्ति ऊंची हो जाएंगी? मूर्तियां 3 होंगी लेकिन एक मूर्ति ऊंची होगी, एक मूर्ति जो ऊंची होगी वो गॉड फादर कहा जाएगा। दो हजार चार में क्या हुआ? कोई ड्रामा की जब तक बड़ा ड्रामा शुरू ना हो जाए, कोई फिल्म जब तक उसका आखिरी जब तक वो फाइनल ना हो जाए तब तक उसकी शूटिंग होती रहती है या बंद हो जाती है? आप जवाब दो पहले, होती रहती है ना? तो अभी ये जो ड्रामा है वो ड्रामा पूरा नहीं हुआ है, वो उसकी शूटिंग पूरी नहीं हुई है,
और ब्रा ड्रामा अभी शुरू होने में अभी 30 साल बकाया है, है या नहीं? तो जब तक ब्रा ड्रामा शुरू ना हो शूटिंग चलती रहेगी। वो संकल्पों की शूटिंग थी, अभी प्रैक्टिकल शूटिंग होनी है। हाँ जी, चर्ती कला गिरती कला दोनों की होगी। अगर गिरती कला की नहीं होगी तो ये बेधर्मी डाउन कैसे होंगे? एडवांस पार्टी में और बेसिक पार्टी में जो बेधर्मी घुसे हुए हैं वो डाउन कैसे होंगे अगर चर्ती कला की शूटिंग नहीं होगी? है? हाँ यार, रेशम के कीड़े के बारे में बाबा ने कुछ नहीं बताया, वो कुछ भी हो जाता हो। मुरली की बात करो, अद्वैत वाणियों की बात करो, क्लेरिफिकेशन की बात करो। अरे किसी को 21 दिन लगते हैं, किसी को कितने दिन लगते हैं, ये तो दुनिया है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लगता रहेगा। हाँ तो कीड़े मकोड़े जैसे होंगे, आए मरे हो खत्म हुए, वो मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्माएं नहीं होंगी वहाँ भी? कहाँ? कहाँ की बात है? हाँ 10 करोड़ भी होते हैं। मुरली में बोला सत्युग में नहीं, सत्युग में जिसने किसी ने गलत छाप दिया तो तुमने क्यों पकड़ लिया उसे? अगर कहीं किसी ने गलती से छाप दिया तो उसको क्यों पकड़ लिया, जबकि मुरलियों में कई जगह आया हुआ 2 करोड़ आबादी होती है। हाँ हाँ सन्यासी ऊपर नहीं याद करते, ऊपर नहीं याद करते सन्यासी लोग, वो तो सेवो हम कहते हैं, ऊपर क्यों याद करेंगे? सन्यासी तो सेवो हम कहते हैं, हम ही शिव हैं, शिव के रूप हम हैं, तो ऊपर हुआ या नीचे हुआ? हाँ जी क्या वो धर्म पिताओं के लिए बोला होगा, वो धर्म पिताएं सारे ही सन्यासी हैं उस हिसाब से। हाँ सन्यासी की लिस्ट में आएंगे ऐसे तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चंद्रवंश कोई सन्यास धर्म तो होता नहीं है, लेकिन सन्यासियों के प्रभाव में तो थे, सन्यासियों की पूजा तो करते थे, 12 गुरु किए थे, तो जिसको बड़ा मानेंगे उन्हीं के अनुसार चलना पड़े। ज्ञान में आने के बाद 12 गुरु ज्ञान में आने के बाद 12 गुरु नहीं हुए तो क्या हुआ? ज्ञान में आने के बाद जो नारायण बनने वाली आत्माएं उनके अंदर में तो रहे, एक गुरु तो लौकिक में हुआ, जब ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया में आ गए तो दूसरे बच्चों के प्रभाव में रहे कि नहीं रहे? प्रभाव में रहे तो 12 गुरुओं की शूटिंग हो गई। कौन बुरे? जब समझ जाएंगे, एडवांस नॉलेज समझ जाएंगे तो बुरे क्यों रहेंगे? जब अंत में आएंगे तो कहाँ आएंगे, एडवांस नॉलेज में आएंगे या बेसिक नॉलेज में आएंगे? तो एडवांस में आ गए तो बाप के बच्चे बन गए ना, करो बच्ची। मोबाइल का हो या और कोई हो? हाँ हाँ लाइफ टाइम स्कीम, हाँ फोन के बारे में आ रहा है, हाँ स्कीम है, लाइफ टाइम की निकल रही है। हाँ जी हाँ जी, तो प्रेरणा देने वाला मेरा
उनको तो प्रेरणा पैसा कमाने की मिल रही है, कैसे भी पैसा मिले। इनकमिंग तो फ्री है ही, हमें तो इनकमिंग फ्री देनी ही है। 1000 रुपया क्यों छोड़ो, जो मिले सो ले लो। उनकी बुद्धि में कुछ नहीं आ रहा है, उनकी बुद्धि में तो ये आ रहा है कि हमें तो इनकमिंग फ्री देनी ही देनी है, इसलिए 1000 रुपया ले लो क्या हर जाए। हो गया, चलो। हिंदी में कुछ गलत है? नहीं नहीं सुनिए, हाँ क्या गलत है? सीढ़ी बाबा से पूछ के नहीं दिया? किसको? पब्लिक 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 को सीढ़ी देने की क्या जरूरत है? जिनको कोर्स नहीं दिया है उनकी उनकी समझ नहीं है, चित्र थोड़े ही आवेंगे। जनरल पब्लिक की थी है, जनरल पब्लिक की थी। जनरल पब्लिक को भी सीढ़ी का चित्र देने से क्या उनको समझ में आवेगा? बिना समझाए हाँ जी, और तुम्हें समझा करके दे देंगे तो समझ में आवेगा। फिर आया कोई प्रूफ आया वापस? ये घूमता है बाबा, तो जो दावे अनुसार की जो मनुष्य जंगली थे पैसा सही होता है, मतलब पहले के मनुष्य जो शुरू में आ रहे थे जंगली नहीं है, धीरे धीरे विकास हो जाता है। जंगल में कांटे होते हैं, कांटे दुखदाई को कहा जाता है। तो आज की दुनिया में जो मनुष्य है वो मनसा वाचा कर्मणा दुख देने वाले नहीं है, तो कांटों का जंगल है ना, तो जंगली है ना। नहीं जैसे शुरू में जैसे पहले बोलते हैं तमिल का, पहले ये लोग मतलब जंगल में रहते थे, फिर आग का आविष्कार हुआ ऐसे ऐसे, तो फिर से शुरू होगा। वो बेहद की बात को उन्होंने हद में ले लिया है, ये अभी की बात है, बेहद की बात है। सारी दुनिया जंगली है, कांटों का जंगल है, बाप के महावाक्य हैं, उन्होंने उसको स्थूल रूप में उठा लिया है। भक्ति मार्ग में सारी बातें स्थूल रूप में उठाई हुई है। बाकी ऐसा नहीं होता कि दुनिया में सब पहले भील लोग रहते थे, पाठ खुलना मना। हम आत्मा ने जो भी 84 जन्म लिए हैं, उन 84 जन्मों में से मेरा मुख्य पार्ट क्या है पहले जन्म का, जिसका शास्त्रों में गायन है, और आखिरी जन्म तक मेरे पार्ट क्या है। मैं आत्मा पार्टधारी हूँ, तो मुझे आत्मा ने कौन कौन से जन्म में, कौन कौन से देश विशेष में क्या क्या पाठ बजाया, किस नाम रूप से पाठ बजाया, वो बुद्धि में सारा बैठ जाए। है बैठना कब से शुरू हो जाए? जब मनन चिंतन मंथन पूरा हो जाएगा। जिन आत्माओं को संदेश देना है, जिन आत्माओं को जन्म जन्मांतर का भांति बनना है, अनेक जन्म है तो अनेक जन्मों में हमारे संगी साथी भी तो होंगे ना, तो उन संगी साथियों को शूटिंग पीरियड में सामने लाएंगे या नहीं लाएंगे? तो सारा आना चाहिए। पहले हरेक ग्रुप का अपना बाप प्रत्यक्ष होगा, बाप के आधार पर जो फॉलोअर्स बच्चे हैं उनका भी अपना पार्ट प्रत्यक्ष होगा। जो
सूर्य को जानने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं, वो सूर्य को और सूर्य के अनेक जन्मों के पार्ट को पहचानेंगे और उसके आधार पर अपने संसर्ग संपर्क के संगमयुगी पार्ट के आधार पर अपने पार्ट को भी पहचानेंगे। ऐसे ही दूसरे धर्मों में भी क्रिश्चियन और इस्लामी बाप की साकार पार्ट को मानते नहीं और वो आत्मा पुनर्जन्म में लेती है, ये भी वो लोग उनमें विश्वास नहीं है, तो उनको समझाने में थोड़ा क्यों समझे? क्योंकि उनकी आत्मा कम जन्म लेती है, 84 जन्म पूरा चक्र नहीं काटते, उसमें बीज रूप तो रहता है ना, जो बीज रूप आत्माएं हैं वो मानेंगे, वो भी शुरुआत में नहीं मानती जब तक उनका दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, तो भी नहीं मानेगी, जब छिलका उतर जाता है तो मानती है। संदेश मिलना अलग बात है, संदेश प्रजा को मिलता है, लेकिन संदेश को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना उससे फिर राज परिवार की आत्मा बनेंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। विशाखापट्टनम की इंचार्ज हम लोग सबको भेज दिए ना, आप पहले से सबको आपका पास भेज दिए, वही भाई जी उन्होंने, वो एक ऐसी गोपिका है जिसने ज्यादा से ज्यादा एडवांस में भेजे है, हाँ जी ठीक है। अब आप उनकी आत्मा को खींच लीजिए, बीमारी में शरीर छोड़ा है या अचानक छोड़ा, लंबे समय की बीमारी में शरीर छोड़ा, बहुत सर्विस की बाबा, हम सबको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ रहे ना, अब आप उनको आगे बढ़ा दीजिए। ये लोग बहुत साथ दिया बहन जी का एग्जाम में आने से बाद, ये लोग बहुत साथ दिया की माता जी जब वो नहीं सुनता है, नहीं वो भी नहीं है, जन्म में तो बंधन में बंधे हुए हैं ना, अभी आज अब वो बंधन छूट गया, अभी दोस्त अब वो लोकलाज का बंधन खलास हो गया, अब आत्मा को बुद्धि योग से पावर मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे। क्या जन्म लेंगे या इंस्पिरेशन पाथवे में जाएंगे? तो उनके अंतम से गति के हिसाब से है, अगर अंतिम समय में उनकी बुद्धि में एडवांस एनालिस के प्रति थोड़ी भी भावना पैदा हो गई तो जन्म लेना है, अगर ब्रह्मा बाबा के प्रति पूरी भावना है तो वो आत्मा है, इंस्पिरेटिंग पार्टी में काम करेगी ब्रह्मा बाबा जी से। बाबा कई लोग सच्चाई बाबू को मानते हैं, वो भी सुनते हैं, वो प्रत्यक्ष दैव कहते हैं सच्चाई बाबा, सच्चाई बाबा को कई लोग भक्ति मार्ग में चलते हैं ना, वो कहते हैं वो सच्चान देवता कहते हैं, वो जो बात सुनते हैं वो का पास ऐसा है ना, तो सभी जो भी गुरु लोग हैं उनके जो भक्त हैं फॉलोअर्स हैं वो तो अपने गुरु की ही महिमा करेंगे, गुरु को ही भगवान मानते हैं, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे मुरारी बापू हो, चाहे हंसा जी महाराज हो, चाहे निराकारी सत्संग के स्वामी जी हो, जो भी फॉलोअर्स होंगे वो तो अपने गुरु को ही भगवान मानेंगे ना, वो कैसे एडवांस पार्टी में आएंगे, आप उनकी सेवा करेंगे तो आवेंगे।
सेवा करना चाहता हूँ। एडवांस पार्टी में आवेंगे वही जो यज्ञ के आदि में रहे होंगे। इस एडवांस पार्टी में आने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा बोलो। सौ साल का संगम युग है। 2036 तक। हाँ जी। तो धारा में किसी का स्कूल जन्म हुआ में नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। ऐसे टेम्पल के बतौर कराची में खून की नदियां बह रही थी और छोटा सा संगठन सागर के किनारे महल में आराम से रहा पड़ा था। तो नरक की दुनिया खून की नदियां बह रही थी और उसके बीच में सड़क के बरसे का नजारा सामने आ गया। वो तो छोटा रूप था। अनुभव करने वालों ने सुख शांति का अनुभव किया और सारी दुनिया दुख शांति का अनुभव कर रही थी। ऐसे ही जब कृष्ण का जन्म होगा तो जहाँ कहीं भी होगा जमुना के कंठे पर वो गुप्त स्थान का जो नजारा है जो उस ग्रुप के बच्चे होंगे तो देखेंगे। दुनिया वाले नहीं देखेंगे। ऐसे तो क्रिश्चियंस लोग हैं मुसलमान लोग हैं वो भी जन्नत को मानते हैं पैराडाइज को मानते हैं। तो जरूर प्रैक्टिकल में उन्होंने वो सुना होगा ना। प्रैक्टिकल में अनुभव तो किया होगा। उन आत्माओं ने अनुभव नहीं किया जो क्राइस्ट के बाद उतरती है परमधाम से। लेकिन जो बीज रूप आत्माएं हैं वो तो अनुभव करेंगे ना। नंबर वाली तो बनेंगे। राधा कृष्ण को जन्म देने वाले नंबर वार कंचन काया बना देंगे या एक साथ बना लेंगे। नंबर वार बना देंगे। कोई योग बल में बहुत तीखे होंगे तो कोई योग बल में नंबर वार होंगे। जो बहुत तीखे होंगे वो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को पहले जन्म देंगे। नहीं तो लास्ट में तो 4.5 लाख संख्या पूरी होनी है। तुम इसका मतलब 2018 से जो बीज रूप आत्मा को कंचन का बनना शुरू हो जाएगा और राधा कृष्ण जैसे आत्माओं का जन्म देना भी शुरू हो जाएगा। दोनों भी बच्चे भी होंगे और उनको जन्म देने वाले माँ बाप भी होंगे। दिलवाड़ा मंदिर में जो कोठरियाँ बनी हुई है उन कोठरियों में सिर्फ माँ बाप ही दिखाए हैं बच्चे भी दिखाए हुए नहीं। ध्यान से देखा हर कोठरी में माँ बाप के साथ बच्चे भी दिखाए गए। वो बच्चे स्थूल की यादगार नहीं है बुद्ध रूपी क्षेत्र में वो बच्चे पलते हैं। इंस्पिरेटिंग पार्टी के रूप में प्रवेश करके काम करते हैं पार्ट बजाते हैं। और ब्रह्मा कहते हैं जब प्रभुता हाथ में आती है
तो अहंकार बढ़ जाता है। एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको कभी भी अहंकार नहीं आता, वो सदैव ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है। इसके अलावा जो भी मनुष्य मात्र हैं, मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, वो सब ऊंच पद पाने के बाद अहंकार में आ जाती है। शास्त्रों में लिख दिया है प्रभुता पाहि काहि मद नाहीं। जब प्रभुता प्राप्त होती है तो अहंकार मद बढ़ जाता है। तो बकरे की दाढ़ी दिखाना माना मैंने किया। जैन धर्म में जो तीर्थंकर भगवान दिखाए हुए हैं, वो जैनी लोगों का ये मानना है कि अलग से कोई शिव सुप्रीम सोल नहीं होता है, आत्मा ही तपस्या करते करते भगवान का रूप धारण कर लेती है। तो ये अहंकार हो गया ना, आत्मा परमात्मा की बात है। आत्मा जो है वो परमात्मा बन जाती है, आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, वो तो ऐसे मानते हैं ना जैनी लोग। प्रजापिता को शास्त्रों में बकरे का मुख दिखाया हुआ, मैंने किया, मैं जब तामसी रूप बनता है, तामसी शूटिंग होती है, तो ये अहंकार चढ़ जाता है। ब्राड ड्रामा होगा तो ब्राड ड्रामा में जो तामसी युग है कलयुग, उस कलयुग के अंत में जन्म की जो शूटिंग होती है उसमें प्रजापिता की सोल तामसी बनती है ना, प्रैक्टिकल में बनती है ना। तो शूटिंग पीरियड जब होगा तो आखिरी जन्म में तामसी नहीं बनेगी क्या? है बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी शूटिंग पीरियड में तो वहां भी नहीं बनेगी, यहाँ बनेगी तो वहां भी बनेगी। यहाँ नहीं बनने की फुर्सत नहीं करते हैं क्या? ऐसी कोई आत्मा मनुष्य आत्मा है ही नहीं अच्छा। जो सतो प्रधान से तमो प्रधान न बने, इसका मतलब ये तमो प्रधान है ये मैं कहना। अभी तो तमो प्रधान तब कहे जब अपन को भगवान समझ के बैठा हो कोई जब शिवो हम समझ करके बैठते हैं वो तमो प्रधान, तब की तमो प्रधानता की बात है। ये समझाने के लिए ऐसे बताते हैं ना, इसका मतलब यह नहीं क्या है मैं इनमें प्रवेश। ये जो शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो अंत समय का गायन है, ये वर्तमान समय की बात है। कब की बात है? अंत समय की बात है। जो अंतिम समय की शूटिंग होती है उसमें ये सब बातें दिखाई हुई है। वो 84 जन्म में नहीं आएंगे कौन वो लोग? वो जैसे भाई पढ़ने वाला है अभी सारा लोग है ना, वो एडवांस छोड़ गए ना, वो 84 जन्म में वो कन्वर्ट हुए हैं वो लोग 63 जन्मों में, वो यहाँ भी कन्वर्ट होने की शूटिंग करते हैं। और जो 63 जन्मों में कन्वर्ट नहीं हुए वो यहाँ भी कन्वर्ट होने की शूटिंग नहीं करेंगे। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, जो अपने धर्म का पक्का होता है वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर कभी जा न सके, भले कितने भी भगवान निकले, कितने भी विष्णु के पाठधारी निकले,
उनको कोई रास नहीं आएगा। वो एक बाप को छोड़ करके दूसरा बाप बना देंगे नहीं। कितनी भी सख्त से सख्त परीक्षाएं क्यों ना आ जाएं, आखिर कुछ तो आत्माएं ऐसी होंगी 33 करोड़ देवताओं में से जो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती। अगर सारे ही कन्वर्ट हो जाएं तो फिर फाउंडेशन लाने वाले कौन बचेंगे? गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला तोड़ने पड़ेगा, मधुन वालों को मधुन तोड़ने पड़ेगा, इसका अर्थ क्या है? तो घर पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर शांति धाम की निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बन जाएगी। तुम बच्चे परम धाम को इस सस्ती पर उतार लेंगे तो घर में बैठ के उतार लेंगे क्या? है घर जाना पड़े, मजबूरी घर जाना पड़ेगा। है जाना पड़ेगा जाना। पड़ेगा मैंने मजबूरी से जाना। है अभी बात आई ना, एक है मजबूरी से जाने वाले, एक मच्छरों से मजबूरी से जाना पड़े, और एक है प्यार से जाने वाले। प्यार से जाना। हाँ जी पहले से बुद्धि से छोड़ देते हैं, लास्ट से छोड़ देंगे। बुद्धि से पहले से छोड़ देंगे और प्रैक्टिकल में बाद में जब तब छोड़ेंगे जबकि छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो जिन्होंने पहले से ही प्रैक्टिस की होगी उनको छोड़ना सहज होगा, और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी उनके हार्ट फेल होने लगेंगे। अभी महल मारियां अटारियां ऊंचे ऊंचे बनाते चले जा रहे हैं, जो लोग अपनी अपनी प्लानिंग करते चले जा रहे हैं, ज्ञान में चलने वाले भी, तो अंत समय में जब फाइनल होगा तो उनका क्या हाल होगा? फिर बुद्धि खींचेगी उधर, बनाया तो बर्बाद, सब बर्बाद हो गया, सब बेकार हो गया। ये क्या हुआ? अभी तो बाबा को देने से बाबा क्या करेंगे? गीता पाठशाला खोलो बाबा। हाँ ये जो माउंट आबू में जाने की बात है बाबा। हाँ ठीक है, 2007 से पहले ही हो जाएगा, 2018 से पहले हो जाएगा, वहाँ तो जाके तुम्हें शांति धाम शूटिंग। शांति धाम ही नहीं बनेगा तो सुख धाम कैसे बन जाएगा? सुखधाम शांति धाम दोनों का गेट साथ साथ खुलेगा या आगे पीछे खुलेगा? साथ साथ खुलेगा। सुखधाम का भी गेट खुलेगा तो शांति धाम का भी गेट खुलेगा। सुखधाम का गेट नहीं खुलेगा तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कहाँ से हो जाएगा? तो उससे पहले एडवांस पार्टी की आत्मा भी मांडव में जाके मतलब बैठ है, मतलब माउंट आबू उससे पहले है, मतलब हम लोग के अंदर में आ जाएगा। अंदर में पहले कर लो, वो तो ठीक है, त्रासी की अद्वैत वाणी में बोला हुआ है, 82, 83, 81 की वाणी में कि रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। विशाखापट्टनम के दो अर्थ हैं, विमाना विपरीत और विमान विशेष। विपरीत वाला चला गया, हम लोग विशेष वाला रख दिया। विपरीत शाखापट्टनम, जो विपरीत शाखाएं हैं, विपरीत ओर जाती है, श्रीमत के बरखिलाफ चली जाती है, उनसे पट्टनम। और एक है विशेष शाखापट्टनम, जो नीचे से लेके ऊपर तक सीधी जाती है, वो है विशेष शाखा, जिसे तना कहते हैं। तो विशाखापट्टनम
जब जब प्रजापिता दूसरा धर्म में जाता है राज्य शुरू करने के, उसके साथ हम लोग नहीं जाएगा। नहीं क्यों लगा दिया? अमर आप बोलता है विषय सीधा तना में जाता है, बोलता है। हाँ, सीधा तना में जाता है, माना बुद्धि से थोड़े ही जाता है, वो तो सिर्फ उनको राज्य देने के लिए जाता है। उसका पार्ट रुदा हुआ है, गया और वापस आया। हम लोग समझे प्रजापति के साथ हम लोग भी उस घर में जाके एक जन जम करके फिर वो तो ठीक है। जन जन्मांतर के साथ ही होंगे तो हर जन्म साथ का ही पार्ट निभाएंगे। उनको कहेंगे बाप समान आत्मा है। कुत्ता का नाम करा हुआ पत्ता बना तेलुगु में रहा है नया नया बना तेलुगु में रहा है नया कत्ता बना नया। ज्ञान में तेलुगु के अर्थ नहीं उठाए जाते हिंदी को उठाओ या अंग्रेजी को उठाओ। अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा बताइए, वो सभी की भाषा है, तो उसके लिए प्रेफरेंस देते हैं। और हिंदी बाप की भाषा है, जो बाप आते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, इसलिए हिंदी क्या तो उठाना है। मैं बोला मैंने आकर के पहले सूर्य को ज्ञान दिया बताया ना। हाँ जी। तो सूर्य को ज्ञान देने के लिए कोई मीडिया तो नहीं है ना साक्षात में? हाँ, जिनका आदि में सेवा करा में प्रवेश किया था। हाँ जी। ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ, उसका क्लैरिफिकेशन दिया था गीता माता को। हाँ। तो गीता माता को सुप्रीम सोल सेवकराम द्वारा जब दिया था, हाँ, सेवकराम का आत्मा सुना उसको ही खा जाएगा क्या? और क्या ज्ञान दिया? क्यों ब्रह्मा की सोल पहले नहीं सुनती है? जब सुप्रीम सोल ज्ञान देते हैं मुझसे तो पहले कौन सुनता है? ब्रह्मा सुनता है या कोई दूसरा ब्राह्मण बच्चा सुनता है? पहले तो जिसके कान होंगे वही सुनेगा। पहला ब्राह्मण तो पहला देवता तो पहला क्षत्रिय तो पहला वैश्य तो पहला शूद्र, तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? प्रजापिता खुद ही पहला ब्राह्मण हुआ है। और जब सचिव में अशोक प्रधान की शूटिंग चल रही थी जिसमें इनको लेकर करण जेट होता जो रजो प्रधान की आत्माएं आए ना यज्ञ में, तो रायता फाइल आई ना और सोमनाथ और सोमनाथ इनको दूर कर दिया। तब सतो प्रधान थी ना, ये तुम्हें कैसे मालूम कि वो आत्माएं उसी समय आई थी 73 में? तो रजो प्रधान आत्माएं निकलती है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि वो रजो प्रधान 72 या 3 में ही निकली थी। नहीं बाबा, 72 के अंदर। हाँ, और 69 में ही ऐसा किया ना। हाँ, 69 सोमनाथ में और सोमनाथ को क्या किया? दूर कर दिया। सोमनाथ और सोमनाथ ने को मंदिर को तोड़ दिया। जो तोड़ने का काम है वो 73 की बात है, 72 की बात है, लेकिन जो तोड़ने वाले थे वो तो पहले से ही थे या बाद में आए? उसी समय आए, वो पहले से ही थे। हाँ जी, एक माता जी पूछ रहे थे जैसे माया का 5 पंजे होते हैं। हाँ जी, ऐसे बाबा का भी कोई पंजा होता है क्या? है पांच पंड बाबा के पंजा है। क्यों नहीं पांच पांडव होंगे चैतन्य में? 100% पांडव भी होंगे। और अभी
पहली वर्ड में जो गए हैं नंबर वन नष्टम हो गए ना सुनोगे तो अभी न्यू वर्ल्ड में जो नहीं गए हैं तो उनसे नीचा पद करेंगे तो न्यू वर्ल्ड में अभी जो गए हैं ना उनमें राजा भी है राज का वो राज्य अधिकारी भी है प्रजा भी है हा? अभी तक जो न्यू वर्ल्ड में नहीं गए हैं तो उनसे ही नीचा पद पाएंगे कोई बात नहीं अभी कौन फाइनल परीक्षा हो गई मकान जब बनता है तो फाउंडेशन पहले डाली जाती है या पहले ऊपर की बिल्डिंग बन जाती है फाउंडेशन पहले डाला जाता है तो जो फाउंडेशन डाला जाता है उसमें कोई पत्थर चूर चूर हो जाता है और कोई पत्थर मजबूत होता है तो स्त्रियम बना रहता है तो ये नींव डाली जा रही है कुटाई हो रही है अब कौन से पत्थर मजबूत है कौन से टूटने वाले हैं वो तो माया की परीक्षा होगी तभी तो पता चलेगा जब न्यू की खुदाई होती है ना न्यू माने फाउंडेशन जब डालते हैं तो उसमें पत्थर डाले जाते हैं और पत्थरों को फिर दुर्मुट से कूटा जाता है नहीं देखा हाँ तो अभी वो फाउंडेशन पड़ रहा है नई दुनिया का जो फाउंडेशन पड़ता है वो जमीन के अंदर पड़ता है ऊपर नहीं देखने में आता है वो पत्थर जमीन के अंदर रहते हैं या ऊपर दिखाई पड़ते हैं अंदर रहते हैं तो तुमको वो अभी नहीं दिखाई पड़ रहे नहीं दिखाई पड़ रहे ना लेकिन उनमें भी कुछ टूटने वाले हैं और कुछ मजबूत रहेंगे और मजबूती से वो जमीन को अंदर पकड़ लेंगे माया की पिटाई होगी तो टूटेंगे नहीं अभी सबको दुख हो रही है ना हमें न्यू वर्ल्ड में नहीं गए इसलिए मैंने पूछा कहीं जाए और वहाँ टूट पड़े तो जमीन के जमीन में ही दबके रह जाएंगे उससे तो अच्छा ऊपर के कंगूरे बने तो बढ़िया है ना हाँ लक्ष्मी उसमें सीता माता के द्वारा राधा बच्चे और कृष्ण बच्चे जन्म लेते हैं जी जन्म देते हैं रामा भी जन्म देते हैं वो तो चेंज हो रही है कहाँ चेंज हो रही है ऐसे किसी भाई ने कहा तब आपने कहाँ चेंज हो रही है हाँ वहाँ 2018 में को राधा कृष्ण जन्म होता है हाँ ठीक होता है तो फाउंडेशन आदि में मतलब कुछ बहने कोर्स में ऐसे बोलते है की सीता माता को प्रशिक्षण मिला के द्वारा जो कहा वो प्रशिक्षण जब वो दोबारा आकर के दादा नेटवर्क को बताया तो साथ साथ में राधा बच्ची भी सुनते हैं इस चीज से बताते हैं जी जी तो आपने कहा नहीं नहीं वो टाइटलधारी ब्रह्मा और टाइटलधारी सरस्वती ऐसे कहा है नहीं नहीं वो कैसे सुनते हैं वो तो होते ही नहीं जब मैं आता हूँ मैं तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ या पांच मूर्तियों के साथ आता हूँ वो तो तीन ही मूर्तियाँ होती हैं दूसरी होती ही नहीं सुना वही तीन थे तीन ही आत्माएं थी और कोई नहीं थी दादा लेखराज ओम राजे उस समय थे ही नहीं सामने सीता माता के द्वारा राधा बच्ची और कृष्ण बच्चा का वो बाद में जन्म होता है स्टार्टिंग सीता माता की द्वारा राधा आदि जन्म लेते हैं ऐसा पता चले वहाँ राधा माने कौन सी राधा को बताना है ओम राधा मंगा है रुद्रमाला में सारी दुनिया के बीज है या नहीं है? है तो जब सारी दुनिया के बीज है तो राधा का बीज और कृष्ण का बीज होगा या नहीं होगा वो भी होगा यहाँ के राधा कृष्ण वो संगमी भी राधा कृष्ण और वहाँ के राधा कृष्ण वो सती भी राधा कृष्ण मैंने यहाँ राधा का नाम किसका लागू होता है पूछ रहे हैं राधा के शब्द ओम राधा मम्मा का नहीं तो आदि में वैष्णव जो है उनकी बात है आदि में जो राधा थी वो वास्तव में गीता माता वो है असली रूप में जो प्रैक्टिकल में कार्य करके दिखाती है एक होता है वाचा से सुनना और सुनाने का फाउंडेशन डालने वाला और एक होता है सुनने सुनाने में उतना विश्वास नहीं करता सुनने सुनाने का ही मात्र काम नहीं करता क्या करता है प्रैक्टिकल करके दिखा देता है
तो गीता माता के भी दो रूप हैं, एक अंदर की आत्मा और एक बाहरी शरीर, दोनों को मिलकर के महालक्ष्मी बन जाती है। हाँ जी, जिस तरह आत्मा संपन्न प्राप्त करती रहती है उस तरह शरीर से कंचन बनता जाता है। हाँ जी, एक ही जगह बनता है या भारत के चारों दुनिया में कहीं भी हो, प्रैक्टिस की बात है। वो तो मन बुद्धि रूपी जो आत्मा बीज है वो जैसे जैसे परिष्कृत होता जाएगा और धनी के संसर्ग संपर्क में आवेगा तो वो तो अपना कार्य करेगा। आत्मा भी परिष्कृत होती है और शरीर भी परिष्कृत होता है, लेकिन उसकी एक मियाद होती है। जैसे पूरी जब घी में डालते हैं तो तुरंत उठ के ऊपर नहीं आ जाती, कुछ टाइम नीचे पड़ी रहती है, पकने का उसका कुछ टाइम होता है। ऐसे ही आत्मा जो है वो तुरंत कच्चे कटाया बनना नहीं शुरू करेगी, उसकी भी टाइम की एक लिमिट है। जैसे वो दुनियावी योगी होते हैं तो कहते हैं कि 3.5 घंटा 4.25 घंटा अगर एक आसन पर बैठे रहे बिना हिलो डेले तो वो आसन पक्का हो जाता है। क्या जैसे कोई श्वास रोकने की प्रक्रिया 3.5-4 घंटे तक लगातार कायम रखे तो वो श्वास के प्रश्वास के ऊपर विजय पा लेता है। मानो जितने लंबे समय तक चाहे वो श्वास को रोक सकता है। ये कहते हैं ना, ऐसे यहाँ भी है कि आत्मिक स्थिति की जो प्रैक्टिस है वो उसकी एक लिमिट है 8 घंटे की। वो 8 घंटे की जब प्रैक्टिस जिनकी जिनकी पक्की होती जाएगी उनका बीज परिष्कृत हो जाएगा, और जब बीज परिष्कृत हो जाएगा तो शरीर भी परिवर्तन होना शुरू होगा। हाँ जी, बैठ हट के नहीं, चलते फिरते भी बैठ के तो हठयोगी होते हैं, वो कभी सिद्धि पा ही नहीं सकते। अभी 2-3 हफ्ते से 2 रजिस्टर रखा जा रही है, कन्या माताओं के लिए अलग है और भाई लोगों के लिए अलग साइन डालने की। क्योंकि भाई लोगों ने पूछा जैसे लौकिक में स्कूल में तो एक ही रजिस्टर रहते हैं। अरे तुम्हें डायरेक्शन कहाँ से मिला है? शिव बाबा से डायरेक्शन मिला है, सब बात है। फिर भी वो लोग पूछ रहे थे। कौन पूछ रहे थे? कुछ भाई लोग पूछ रहे थे। उनको पूछ रहे तो पूछ रहे, हमें जैसी सुविधा होगी वैसा करेंगे। बात यह कन्याओं माताओं की संख्या है ज्यादा और भाइयों की संख्या है कम होती है, हर जगह ऐसा ही है। तो भाई लोगों में या माताओं में जब तक रजिस्टर घूमते 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 पहुंचेगा तब तक 2 घंटा खत्म हो जाएंगे। इसलिए माताओं का रजिस्टर अलग कर दिया जाए और भाइयों का रजिस्टर अलग कर दिया जाए ताकि कोई डिस्टर्बेंस आएगा ही नहीं। और पति में इच्छा मरणम होते हैं ना, पति पत्नी समंदर के किनारे में जाकर शरीर जोड़ते हैं, तो नया शरीर लेते हैं या उन्हीं शरीर चेंज करते हैं? समय नया शरीर ले लेंगे। नहीं बाबा, स्त्री पुरुष में और पुरुष स्त्री में चेंज करते हैं। स्त्री पुरुष में तुम हमारा शरीर ले लो, हम तुम्हारा शरीर ले लें। अरे शरीर छोड़ना माना उनकी आत्मा वो शरीर छोड़ करके दूसरे चोले में गर्भ में प्रवेश कर जाती है। वो गर्भ गर्भ महल होगा, माना गर्भ में प्रवेश करने पर भी आत्मा कोई दुख का अनुभव नहीं करेगी और पैदा होते समय रोते चिल्लाते पैदा नहीं होगी, आराम से जन्म होगा। बाकी ऐसे नहीं है कि सागर के किनारे जाएंगे तुम हमारा शरीर ले लो, हम तुम्हारा शरीर ले लें। और वहाँ से 9 महीना 9 महीना गर्भवती होता है।
वहाँ जितना होता होगा तो आगे चल के बता देंगे सब बातें, अभी बता रहे तो सारी बातें, आगे चल के क्या बता रहे, टाइम पूरा हो गया। जोड़ी होता है ना, बस टाइम पूरा हो गया।